Assalamu alaikum, grade 7. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. But what is the first thing that I am going to do before I start my lesson? And that first thing is to wish, pray and hope for your health and safety. May Allah keeps you successful in this world and in the hereafter. But mere bahut pyare beta aur bitiya, don't forget your farais, right? Ladaiyan nahi karte, haste khelte hain, ammi abbu ke farma bardar rehte hain, cheating nahi karte, theek hai? Chalo, shuru karte hain aaj ka lesson. Let's start today's lesson. Yay! Itni badi chidiya board pe. It's not a sparrow, it's a dove. Theek hai? And what we are going to do today, we are going to do a poem, a shape poem on world peace. Theek hai? Ye aapki shape poem hai वर्ल्ड पीस के बारे में. ठीक है, शेप कैसी है बेटा? शेप ऐसी है, अगर आप अपनी बुक देखोगे तो ये डव बनी हुई है. डव क्या होती है? डव होती है बेटो वो बर्ड जो रिप्रेजेंट करती है पीस. और इस डव की बीक भी होता है एक ऑलिव ट्री की ब्रांच. ठीक है, और ये जहां भी दिखाई जाए व्हाइट डव, इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीस. ठीक है, तो हम करें एक शेप पोएम अबाउट वर्ल्ड पीस. ठीक है, ये शेप पोएम किस तरह से, आप ये देखो कि ये बर्ड बनी हुई है और इसके ऊपर पूरी पोएम लिखी हुई है इसके अराउंड. पढ़े साथ. पीस वीविंग विंग्स ऑफ पीस रैप अराउंड मी. Above and below me, inside and outside me, like a golden thread. ठीक है, so this is peace that is surrounding this specific dove. और ये पूरी poem इस तरीके से जो लिखी हुई है ना, एक shape बना के उस shape के चारों तरफ, इसको कहते हैं shape poem. ठीक है, आज आपका है writing task. From Oxford Progressive English Reader, Book 7, Unit 2. और इस यूनिट को जनरली कहते हैं वॉर एंड पीस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, नॉट वॉर्स. और ये जो पीस है आज का, ये है पेज नंबर 32 से पेज नंबर 33 तक, राइट? और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक शेप फॉर्म लिखनी है. कैसे लिखनी है, लेट्स गो अहेड एंड आई विल टेल यू फर्दर. जी बिट्टो, उन्होंने आपसे कहा है कि राइट योर ओन पीस पोम, अपनी पीस पोम लिखें. आपको ये कहा गया है कि या तो आप अपनी डव दोबारा बनाएं या फिर इसी को कॉपी करें. ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वर्ड बैंक, ये वर्ड बैंक उसमें यूज करें. एक पोम लिखें अराउंड अ डव, डव मैंने आपको ड्रॉ कर दी, मेरी डव में मैंने ऑलिव ट्री की ब्रांच भी डाल दी ताकि आपको क्लियर हो जाए. वो ये कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करनी है, मेटाफॉर्स यूज करने हैं, सिमील्स यूज करनी है. मेटाफॉर्स और सिमील्स क्या होती हैं? जब आप दो चीजों को कंपेयर करें लाइक और एज डाल के, तो वो सिमील्स होती हैं, और विदाउट यूजिंग लाइक और एज तो वो मेटाफॉर्स होती है, राइट? तो इस स्पेसिफिक फॉर्म में जो आपने लिखनी है, ये वर्ड बैंक यूज करके, सिमिल्स और मेटाफॉर्स यूज करके, एक डव ड्रॉ करके शेप पोएम, राइट? मैं अपनी फॉर्म आपके लिए लिख देती हूँ. पहले यहाँ पे वर्सेस लिखूंगी, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे, और आप अपनी फॉर्म मुझे लिख के कमेंट्स में शेयर करना, मैं बहुत एंजॉय करूंगी. लेट्स सी हाउ यू कैन ड्रॉ द शेप ऑफ डव. ठीक है, यू लिख सकते हैं हम के
द वर्ल्ड नीड्स ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, द वर्ल्ड नीड्स ट्रैंक्विलिटी, सिरेनिटी एंड हार्मनी। फॉर इफ देयर इज यूनिटी, अमिटी एंड लव, ओनली देन देयर इज फ्यूचर। ट्रैंक्विलिटी का मतलब है सुकून, सिरेनिटी का मतलब भी सुकून। ठीक है, सिरेनिटी इज व्हेन एवरीथिंग इज काम एंड सिरेन एंड कंफर्टेबल। हार्मनी का मतलब है मिलजुल के एक बन के रहना। अगर यहाँ पर यूनिटी है, अगर हम आपस में यूनिफाइड हैं और हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत है, तो हमारा फ्यूचर है, वरना नहीं। ठीक है, ये थी मेरी पोम। ठीक है, अगर हम इसको इसके दरमियान में लिखें तो कैसे लिखेंगे? बी ट्रैंक्विल एंड सिरेन एज अ बर्ड इन the rain। आपसे कहा गया है कि इसमें राइमिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट? एक फॉर्म जो आप लिखेंगे उसमें राइमिंग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। बी ट्रैंक्विल एंड सिरेन एज अ बर्ड इन द रेन, देयर इज there is harmony inside out and unity is what we should be not without। oho, एक और पोम लिख दी मैंने, है ना? तो आपने भी बच्चे ऐसे ही डव बनानी है, डव बना के अपनी फीस की पोम लिखनी है जिसमें आप फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करो, सिमिल्स यूज करो, मेटाफॉर्स यूज करो, ये वाले वर्ड्स यूज करो। बल्कि अगर आप अपनी बुक देखोगे ना, तो उसमें जो आपका वोकैबुलरी बैंक है उसके नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। आप उन एग्जाम्पल्स को यूज करके ही अपनी पोम फ्रेज आउट कर सकते हो। इंजॉय करो इस काम को जैसे मैंने इंजॉय किया है, खुशी खुशी वर्ड्स ड्रॉ की हैं, आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? क्विक रिकैपिटुलेशन कर ले आज के लेसन की। आज हमने किया यूनिट 2 वॉर एंड पीस, और उसका एक था राइटिंग टास्क, और वो राइटिंग टास्क आपसे डिमांड कर रहा था कि आप एक शेप फॉर्म लिखें बेस्ड ऑन द पीस एंड ड्रॉ अ dove। ठीक है, दिस इज what आई हैव डन फॉर यू, गिवन यू 2 examples, राइट? खुद भी लिखो, शेयर करो, enjoy करो, मुझे दुआ में याद रखो। जब तक कि हम दोबारा मिलते हैं, मैं आपके comments का, poems का वेट करूंगी। ठीक है, मुझे sad नहीं करना, upset नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।